नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। वैश्विक महामारी कोरोना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। खेल जगत भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है और सभी खिलाड़ी अपने अपने घरों में कैद हैं। 29 मार्च से होने वाले आईपीएल को भी फिलहाल टाल दिया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाली सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं को भी रद्द कर दिया गया है या फिर टाल दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पुजारा का ब्रूस्टर के साथ काउंटी चैंपियनशिप के पहले 6 मैचों के लिए जो करार हुआ था वो कोविड-19 महामारी के कारण रद्द हो गया है। ब्रूस्टर का कहना है कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए यह अनुबंध अब रद्द हो गया है, जिसके कारण इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 28 मई तक सभी पेशेवर क्रिकेटर को निलंबित कर दिया है। क्लब ने बयान में कहा कि हमें अब 2020 सीजन में ग्लूस्टर के लिए चेतेश्वर पुजारा को खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि आप वाकिफ होंगे कि मई 2020 के अंत तक कोई भी क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। कोविड-19 महामारी जिस तरह पूरी दुनिया में फैल रही है, हमें समझना होगा कि क्रिकेट के बिना ये समय और आगे तक बढ़ सकता है। पुजारा इससे पहले इंग्लैंड में डर्बीशायर, यॉर्कशायर और नॉटिंघमशायर के लिए खेल चुके हैं। पुजारा भारतीय टीम की टेस्ट टीम का हिस्सा है। पुजारा टिक्कर खेलने के लिए मशहूर हैं और इस वजह से ही उन्हें मौजूदा समय में मिस्टर भरोसेमंद के नाम से लोग जानते हैं। वैसे आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भी मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता था। 32 साल के पुजारा ने भारतीय टीम के लिए 77 टेस्ट मैच में 48.66 के औसत से 5,840 रन बनाए हैं। तो आपका पुजारा की इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।